हेलो फ्रेंड्स, आज हम शोल्डर उतरने का दूसरा भी कारण बताने जा रहे हैं। एक तो हमने आर्महोल के बारे में आपको पूरी फुल जानकारी थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए, यूट्यूब और इंस्टा पर दोनों पर अपलोड है। तो पाइपिंग काटने का तरीका, जैसे आपके पास फैब्रिक है तो सबसे पहले इस तरह से हम पाइपिंग के भाग को यहाँ से मोड़ लेंगे और यहाँ से इसकी करेंगे हम कटिंग। अब हमारा पूरा जो भी हमारा फैब्रिक है वो हो गया उरेब। अब आप चाहें तो 1.5 इंच निशान इस तरह से लगा लें, इस तरह से, अब 1.5 इंच हमने निशान लगा लिया। स्केल से इसको आप सीधा कर लें इस तरह से, फिर से इसको सीधा कर लें, तो यहां से इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहां से कर लेंगे अलग। पाइपिंग हमारी इस तरह से पूरी कटिंग हो जाएगी जो कि हमारी नेक में लग जाएगी। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो ज्वाइंट इसको करने से पहले यहाँ से इस तरह से पीस को रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। दूसरे साइड में भी सेम तरीका होगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर। पाइपिंग हमारी इस तरह से पूरी ज्वाइंट हो जाएगी। ज्वाइंट होने के बाद अब इस पाइपिंग को हम कटिंग कर लेंगे। यहां से हम नाखून लगाएंगे ताकि एक साइड में ये मार्जिन हमारा बराबर से आ जाए और स्टिचिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से आप इसको चाहे तो सीधा करें। अब हम लगाएंगे पाइपिंग में डोरी। डोरी में यहाँ पर एक गांठ बांध लीजिए, अगर आपके पास 1/2 फुट है तो आप 1/2 फुट का इस्तेमाल कर लें। 1/2 फुट यहाँ से निकालने के बाद इस तरह से लग जाएगा, और अगर आपके पास 1/2 फुट है तो इसको एक सेटिंग कर लें। यहाँ पर जो हमारा फुट का बीच का मार्जिन है, जो इसमें जगह दिख रही है, इसी में हमारी डोरी और पाइपिंग चलेगी। इस तरह से फोल्ड करेंगे और हमारी पाइपिंग चालू हो जाएगी। अब यहाँ से हल्के हाथ से इस तरह से पाइपिंग को हम खींचेंगे, पाइपिंग हमारी बन गई। इस तरह से पाइपिंग हमारी पूरी बन चुकी। अब इसको हम ब्लाउज में लगाएंगे, नेक में किस तरह से लगाएंगे उसकी जानकारी देंगे। शोल्डर उतरने का एक तो रीज़न ये होता है कि जब हम शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पर फैब्रिक को बराबर नहीं करते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा राउंड, लेकिन जब हम यहाँ पर पाइपिंग को लगाएंगे तो ये हमारा इस तरह से बिल्कुल आएगा सीधा, उस वक्त ये शोल्डर नहीं उतरेंगे। तो पाइपिंग को लगाने से पहले हम लोग इसको नापते हैं, हमको ये नेक चाहिए 7 इंच यहाँ से इस तरह से। ये है कितना, ये आ रहा है हमारा 7.5 से 1 सूत ज़्यादा। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 इंच चाहिए, 1 सूत 7.5 से ज़्यादा है। अब हमको 0.5 इंच इसी में इसको कम करना है। कम कैसे करेंगे, कभी कभी कटिंग में भी 2 सूत बढ़ जाता है। यहाँ से हमको इस तरह से कोई खिंचाव नहीं देना है। अब यहाँ से हमको हल्के हाथ से ऊपर केवल हल्का सा इसको खींचना होगा
उसके बाद मेन जो काम होगा हमारा, शोल्डर से 2 इंच पीछे, जैसे कि हमने स्लिप में बताया, सेम वही चीज़ इसमें भी करनी है। अब यहाँ से हमको इसको तानना है। बैक में भी तानना है, यही तरीका हमारा नेक तक आएगा। बैक में गुलाई पर हमको नहीं तानना है। यहाँ पर, जहाँ पर बैक में सीधा फैब्रिक होता है, वहाँ पर नहीं कटिंग, हमको किसी भी तरह का कोई भी तनाव नहीं देना है। अब फिर से हम वहीं पर आ गए जहाँ पर हमारा शोल्डर का ज्वाइंट है। फिर से यहाँ से 2 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ लगाएंगे, और यहाँ से पाइपिंग को हम इस तरह से तानेंगे। अब पाइपिंग हमारी पूरी नेक में हमारे लग चुकी है। अब हमको इसको फिनिश करना है। तो सबसे पहले तो इस गुलाई को हम नापेंगे। हमको चाहिए ये गुलाई 7 इंच। 7 इंच से 1 सूत ज्यादा आ रही है इस साइड में, 7 इंच आ रही है। अब इसका तरीका क्या है? इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको चाहें तो कटिंग कर लें और ऐसे ही इसको फोल्ड कर लें। दूसरा तरीका, इसको सबसे पहले यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से लगाएंगे एक सिलाई। सिलाई लगाने से जो हमारी ये पाइपिंग का फैब्रिक है, ये पूरा अपनी तरफ से इसको खिंचाव लेता है। खिंचाव लेने के बाद यहाँ से लूजनेस नहीं होती है। अब उसके बाद जो हमारा बैक साइड में पीछे के हिस्से में फैब्रिक बढ़ रहा है, उसको यहाँ से हम कटिंग करके पूरा निकाल लेंगे। इस तरह से पूरी कटिंग हो जाएगी। और अब हम इसको करेंगे मशीन से कच्चा। कच्चा करने में 2 चीजें ध्यान धरिए। कुछ लोगों को हमने देखा है इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाते हैं, उसमें फ्लान और झोल आता है, तो इसको यहाँ से इस तरह से हमको कच्चे करना है। अब जब हम इसको पीछे के साइड से करेंगे कच्चा, तो हम इसको बड़े ही आसानी से मोड़ लेंगे। इसमें होगी तुरपाई, हमारी पाइपिंग पूरी स्टिच हो चुकी है। अब एक बार इसको नापेंगे। यहाँ से हमको चाहिए 6 इंच, बराबर आ रहा है। यहाँ से हम जब नापेंगे तो ये हो जाएगा 7। ये आ रहा है हमारा 7 इंच 1 सूत। सेम तरीका इस साइड में भी होगा, इस पे भी 7 इंच 1 सूत चाहिए, जो कि इसमें हल्का सा सूत बढ़ा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सूत भर 2 सूत, इसकी कोई समस्या नहीं। यहाँ से हमें चाहिए 6 इंच, जो कि ये प्रॉपर आ रही है। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जो लोग, जिन लोगों ने देखा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉच मी।